तो आज हम बात करने वाले हैं मिंत्रा शॉपिंग हॉल की। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट मिंत्रा शॉपिंग हॉल। और विंटर सीजन आ चुका है तो इसके लिए मुझे लगा कि चलो कुछ विंटर के से रिलेटेड शॉपिंग हॉल शेयर करते हैं। इन दिस आई विल बी शेयरिंग कार्डिगन्स, पुलओवर, स्वेटर्स जो कि मैंने अभी रिसेंटली मिंत्रा से ऑर्डर करे हैं। और एवरीथिंग इज अंडर ₹1000 और यू कैन से स्टार्ट्स फ्रॉम 300 or something. Okay, so I'll mention every detail in the caption और यहाँ आपको मैं वीडियो में भी बताती जाऊंगी जितना हो सकेगा। सो इफ यू आर न्यू हियर प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपका कुछ भी नहीं जाता, जस्ट एक बटन को प्रेस करना है आपको। सो प्लीज कंसिडर दैट। और मैं यहाँ पे वीडियोज लेके आती हूँ शॉपिंग हॉल से रिलेटेड, मदरहुड एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब। तो धीरे धीरे मैं आपको सारे डिटेल्स बताते जाऊंगी एंड आई शेयर एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग गर्ल और ऑफिस गोइंग गर्ल जिनको कि मतलब डेली कुछ अलग नया पहनना होता है या फिर मतलब डिफरेंट चाहिए, 7 days के लिए 7 sweaters, कार्डिगन ऐसे चाहिए, तो मिंत्रा इज द बेस्ट प्लेस टू गो। मतलब आपको वहाँ पे रीजनेबल प्राइस में मतलब डिफरेंट क्लॉथ्स मिल जाएंगे और डिफरेंट स्वेटर्स, कार्डिगन, पुल ओवर्स डिज़ाइन के मिल जाएंगे, जैसा भी आपको पसंद हो आपके अकॉर्डिंग। सो आप वो ले सकते हैं एंड अपना ऑफिस ट्रेंड, कॉलेज ट्रेंड को बना सकते हैं। ओके, सो मैंने कुछ वैसा ही ऑर्डर किया है। नथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एवरीथिंग इज़ अंडर बजट ओनली। बहुत सारी चीज़ें अभी तक मैंने ओपन करके भी नहीं देखी है, सो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो ये ऑल्दो ये वाला कार्डिगन जो मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे देखते ही वो बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। ऊपर से कलर ये मतलब फेवरेट कलर है तो वो है। सो दिस इज़ अ ब्रांड कॉल ड्रेसबेरी and this is the cardigan, very beautiful color। और मैंने size small order किया है और ये मतलब loose fit ही होता है, it's not like a very मतलब बहुत ही tight fit body hugging नहीं होगा, it's very loose fit। so if you have a curvy body और आपको या फिर body hugging कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो भी आप ले सकते हैं। and cardigan is इन ट्रेंड राइट नाउ, मतलब 2-3 सालों से कार्डिगन जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप लेते हो तो अभी चलेगा वो। एंड क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड पैटर्न इज रियली अमेजिंग। आप देख रहे हो इसकी डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है, ऐसा मेरी मम्मा बनाया करती थी और अभी मैं बाय करके पहनती हूँ। सो इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है, हैंड पे ऐसे डिटेलिंग है, वर्क है एंड आगे है और बैक साइड में ऐसे ऐसे वाला प्लेन सा है। ओके, सो दिस इज रियली नाइस। इसको आप स्टाइल कर सकते हो विद स्कर्ट, विद ट्राउजर्स और इवन डेनिम के साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। और ये जो ब्लू कलर है इट्स वेरी वर्सेटाइल, सब पे जाता है। मैं एक रिलेटेबल फैशन में बिलीव करती हूँ, जिसको आप डेली में भी पहन लो, कभी थोड़ा स्टाइल करके भी पहन लो, आई बिलीव इन दैट ओनली। सो उन चीज़ों के लिए मेरे जो भी हॉल होते हैं और जो भी होते हैं ना वो बहुत ही मिनिमलिस्ट होते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दाम धाम नहीं नज़र आएगा, कोई भी पहन सकता है इसको। मतलब एंड ये थोड़ी पैकेजिंग इसकी गड़बड़ सी आई है। दिस इज़ अ ब्रांड कॉल टोक्यो, इज़ अ ब्रांड कॉल टोक्यो टॉकीज अर्बन। सो ये H&M में इस ढंग के पुलओवर्स काफ़ी सारे हैं और मैंने H&M से बाई भी किया है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में। H&M में मैंने अराउंड 799 का बाई किया है एंड दिस इज़ अराउंड 599 और 699 जो भी है, आई विल मेंशन दैट। सो ये प्लेन पुलओवर है, इसको आप किसी भी डेनिम के साथ पहन सकते हो एंड द कलर लुक्स रियली प्रिटी। ग्रीन कलर मैंने ऑर्डर किया बिकॉज आजकल मुझे ब्राइट कलर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ये सब बहुत पसंद आ रहा है तो ये ऑर्डर किया है। एंड द क्वालिटी वाइज ऑल्सो इट्स वेरी नाइस, यू कैन वेयर इट इन लेस कोल्ड, लाइक अभी का जो वेदर है उसमें पहन सकते हो। एंड जो बहुत ज़्यादा सर्दी दिल्ली की आ जाएगी उसमें तो आई थिंक इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन करना पड़ेगा, लेयर्स बनाने पड़ेंगे, बट इन बैंगलोर और जिस एरिया में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है वहाँ पे ये मतलब एक सिंगल लेयर भी चल सकता है। एंड प्राइस वाइज तो बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल साइज बट ये भी बैगी स्टाइल ही है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स।
सो दिस इज द नेक्स्ट पुल ओवर. दिस इज ऑल्सो ब्रांड कॉल्ड मस्ट एंड हार्डवेयर. सो उस ब्रांड का है, साइज स्मॉल ही है, मुझे स्मॉल ही एक्स्ट्रा स्मॉल ही आता है और स्वेटर्स में एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा ही बॉडी हगिंग हो जाएगा इसलिए नहीं लिया, बट मुझे अभी लग रहा है कि एक्स्ट्रा स्मॉल आई कैन वेयर इट. सो दिस सीम्स रियली बैगी, बट मैं पहन के इसको देखूंगी एंड आई विल सी कि ये कैसा लगता है. सो दिस हैज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ब्लॉक प्रिंट काइंड ऑफ. सो मुझे मोर और लेस ये ठीक ठाक लगा, मतलब बहुत ही अमेजिंग सा नहीं लगा, वो दोनों मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट दिस इज ओके ओके. तो मुझे कॉमेंट करके बताना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये. एंड दिस विल यू कैन पेयर इट विथ एनी काइंड ऑफ डेनिम बैग, स्ट्रेट फिट डेनिम, या फिर आप स्निकी जीन्स उस पर भी पहन सकते हो, जेगिंग्स पे भी चले जाएंगे. आप किसी स्कर्ट के साथ भी इसको पेयर अप कर सकते हो, अगर आपके पास लॉन्ग स्कर्ट है तो अंडर टक इन करके आप पहन सकते हो. सो आई थिंक दिस वन विल ऑल्सो गो विथ सो मेनी क्लॉथ्स एंड सो मेनी स्टाइल, आप इसको कर सकते हो. सो स्वेटर एंड पुल ओवर्स में फिलहाल मैंने इतना ही लिया बिकॉज आई थॉट कि चलो एक बार ट्राई करते हैं दो तीन, एंड उसके बाद आई चेक द अदर वन, मे बी मैं एक और हॉल लेके आ जाऊँ. सो नेक्स्ट वन इज दिस टॉप. दिस टॉप लुक्स रियली अमेजिंग, इट्स अ क्रॉप टॉप, बट इसका बैक इज ऑलमोस्ट बैकलेस. बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, बहुत ही अच्छा लगा. यू कैन पेयर इट विथ साड़ी एज वेल और स्कर्ट एज वेल, और जीन्स पे तो आप पहन ही सकते हो, स्कर्ट के साथ तो पहन ही सकते हो. तो ये टॉप मुझे बहुत ही अच्छा लगा. सो दिस इज अ ब्रांड कॉल स्टाइल कास्ट एक्स हर्शीन बॉक्स, सो उसका है, और ये मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अमेजिंग लगा. दिस इज द फेवरेट मतलब पीस जो मैंने अभी के हॉल में ऑर्डर करा है, दिस इज द फेवरेट वन. सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई विल हाईली रिकमेंड दिस अगर आप क्रॉप टॉप पहनते हो और आपको ऐसे बैक ओपन वाले क्रॉप टॉप ढूंढ रहे हो, तो दिस इज द परफेक्ट वन. लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो यू कैन चेक. सो दिस इज द अदर वन. नेक्स्ट वन ऑल्सो अ टॉप. सो ये मैं बहुत, दिस इज समथिंग डिफरेंट. नेक्स्ट वन इज दिस रफल टॉप, और ये मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा. दिस इज अ ब्रांड कॉल्ड भामा, और सो ये शर्ट टाइप है बट इट्स रफल, यहाँ पे ये टाई वाई जैसा कुछ है. सो ये मुझे थोड़ा यूनिक और अलग सा लग रहा था, तो आई थॉट लेट्स बाय इट. मैंने ये ऑर्डर करा, इट्स लुक्ड रियली प्रिटी. थोड़ा सा ये फॉर्मल का टच देता है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी फॉर्मल टॉप एंड ऑल, तो आप इसको चेक कर सकते हैं. मुझे बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली. प्रिंट भी इसका बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पे फ्लावर प्रिंट है, और कलर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है. ये डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल था, आई मीन येलो एंड ऑरेंज आई थिंक वो भी अवेलेबल था, तो मैं लिंक दे दूंगी, तो यू कैन चेक इट आउट. बाकी ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. दिस इज द लास्ट वन जो मैंने बहुत ही सस्ते के लिया है, विच इज दिस स्कर्ट फ्रॉम टोक्यो टॉकीज. दिस इज द प्लेटेड स्कर्ट, तो दिस इज अराउंड 299 रुपीज, और उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा आया है. और आई डोंट नो मैं इसको कब और कैसे पहनने वाली हूँ, बट इट्स लुक्स रियली प्रिटी, तो मुझे लगा लेना चाहिए. तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, एंड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा तो प्राइस के अकॉर्डिंग मतलब दो तीन बार अगर आप इसको वॉश करोगे तो आई थिंक इसका चार्म चला जाएगा, जो इसका जो स्ट्रेटनेस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्लॉथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ये फैब्रिक, विच आई एम थिंकिंग, आई डोंट नो. बट ऑब्वियसली वेन यू स्पेंड लेस तो क्वालिटी इतना ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, 299 रुपीज में और क्या मिलेगा. सो ये एक स्कर्ट है जो मैंने लिया, एंड दिस इज अ साइज स्मॉल, बट आई थिंक ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज होने वाला है. और सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्राइस के साथ मैं मेंशन कर दूंगी, सो दैट यू कैन इजीली गो एंड बाय इफ यू लाइक एनी ऑफ दीज. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, स्मॉल शॉपिंग हॉल आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा और कौन सा अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइएगा. सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय.